मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी में आज हम पाठ 16 करेंगे। सूरज का घर। किसी गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में बकरी का बच्चा चुन्नू, भेड़ का बच्चा मीकू तथा गाय का बच्चा बोंदू था। उनमें दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे से भाई भाई की तरह प्यार करते थे। एक दिन चुन्नू बोला, भाई, सूरज का घर इस पहाड़ी के पीछे है। अस्त होकर यह अपने घर जाकर आराम करता। अस्त होकर मतलब छिपकर। इस बात पर मीकू और भोंदू ने भी अपनी सहमति प्रकट की, मतलब हाँ भरी। नटकर चुन्नू फिर बोला, चलो भाई, फिर देखे सूरज क्या खाता है, कहाँ सोता है और इसका घर कैसा है। सूर्य को आप सब जानते हैं, जो आसमान में निकलता है। तीनों मित्र अपने समूह को बिना बताए चल दिए। चलते चलते मार्ग में एक नाला पड़ा। नाला होता है एक नदी जैसा होता है, छोटा थोड़ा। तब तीनों विचार करने लगे कि नाले को किस तरह पार किया जाए। तुरंत चुन्नू बोला, कोई बात नहीं, कूद कर पार कर लेंगे। तो मीकू बोला, भाई, मुझे तो डर लगता है। भोंदू ने भी कहा, मुझे भी डर लगता है। तभी चुन्नू बोला, तुम डरपोक हो, मुझे तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। उसने छलांग लगाई और नाले के दूसरी ओर पहुंच गया। यह देखकर मीकू ने भी छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। भोंदू अपनी जगह पैर पटकता ही रह गया। कोई चारा ना देखकर वह भी नाले को पार करने के लिए जैसे कूदा, वह नाले में गिर गया और तैरता तैरता डूबने लगा। तभी दोनों साथियों ने उसके कान और पूंछ पकड़कर भोंदू को बाहर निकाल दिया। चुन्नू ने कहा, मैंने और मीकू ने तुझे नाले में डूबने से बचाया है। अब तुझे हम दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर पहाड़ी तक ले जाना होगा। भोंदू कुछ कहता इससे पहले वे दोनों उसकी पीठ पर सवार हो गए। चलते चलते भोंदू थक गया। वह बोला, मुझे बोझ लग रहा है, फिर मैं भार ढोने वाला ऊँट भी नहीं हूँ। आगे जो पत्थर पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें वहाँ उतार दूंगा। वे तीनों जैसे ही पत्थर के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि दूर से दिखाई देने वाला पत्थर वास्तव में एक थैला था। उस थैले में चार जानवरों, भालू, शेर, भेड़ी और लोमड़ी की खालें ठूस ठूस कर भरी थी। थैला लेकर तीनों मित्र पहाड़ी के निकट जा पहुँचे। वहाँ एक तंबू लगा हुआ, तंबू जो टेंट होता कपड़े का, उसमें से ढोलक और गाने की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। चुन्नू ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। तंबू का दरवाज़ा खुलते ही तीनों मित्र आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ तो दावत चल रही थी। शेर हुक्का पी रहा था, भालू हलवा खा रहा था, भेड़िया पकौड़े खा रहा था, लोमड़ी ढोलक बजा कर गीत गा रही थी। तंबू में घुसते ही तीनों मित्र समझ गए कि हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। लोमड़ी मीठी मीठी बातों से उनका स्वागत करने लगी। आइए आइए, बैठिए मेहमानों, प्रभु की कृपा से आप लोग हमारे त्यौहार के प्रति भोजनी दावत में शामिल हुए हैं। आप भी हमारी तरह खुशी के गीत गाइए। चुन्नू अपने घुंघराले बालों को झटकता हुआ बोला, लाओ लोमड़ी दीदी, मैं डफली बजाकर आपको अपना प्रिय गीत सुनाता हूँ। डफली बजाने वाला होता है। चुन्नू शुरू करता है, डफली बजाता हूँ डफ डफ शान से, दुश्मनों को हम मारेंगे जान से, शेर का हमको नहीं है डर, भालू का भी हम तोड़ेंगे सर, भेड़िए से डरने वाले हम नहीं, लोमड़ी की चालाकी में दम नहीं, बोल देंगे सभी पर धावा अभी, जालिमों को देते हैं सजा सभी अभी। सभी जानवर गीत सुनकर बोले, बड़ा निडर प्राणी है। शेर दहाड़ते हुए बोला, तुम कौन हो? चुन्नू बोला, हम जंगली शिकारी हैं। भालू गुर्राते हुए बोला, कहाँ जा रहे थे? चुन्नू ने जवाब दिया, हम तीनों मित्र माल का थैला ले जा रहे थे। भेड़िया फुसफुसाया, देखे कैसा माल है? चुन्नू निश्चित होकर बोला, ये जानवरों की खाले ही हमारा माल हैं। तो लोमड़ी चीखती हुई बोली, ये खाले तुम कहाँ से लाए? चुन्नू व्यंग्य भरी मुस्कान में बोला, यानी कि ताना मारकर, ये तुम्हारे भाई बहनों की हैं, हमने उतारी हैं। शेर, भालू, भेड़िया और लोमड़ी अपनी अपनी आवाज़ों में चीखने लगे और तंबू छोड़कर भाग गए। हिंसक जंतुओं द्वारा छोड़े गए सभी शेष व्यंजन, खाने पीने की चीज़ें, सभी ने बड़े चाव से खाए और वहीं आराम किया। यहाँ अधिक समय नहीं रहना, चुन्नू ने कहा। चुन्नू की बातें दोनों मित्रों ने मान ली। चुन्नू आगे आगे भाग रहा था, उसके पीछे भी दोनों भाग रहे थे। शाम होते होते तीनों मित्र अपने घर पहुँच गए। घर वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन तीनों मित्र यह पता ना लगा सके कि सूरज रात में विश्राम कहाँ करता है, मतलब सूरज रात में कहाँ सोता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी कभी अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि बुद्धि व विवेक से काम लेना चाहिए। इसके बाद इसकी वर्कशीट हम करेंगे, शब्दार्थ, सहमति, समान विचार, नटखट शैतान, छलांग, लंबी कूद, शान, गौरव, हिंसक, हुंकार, शेष, बाकी, प्रश्न। नीचे कुछ बोलियाँ लिखी हुई है, उनके सामने उनसे संबंधित पशुओं के नाम लिखो। दहाड़ना कौन दहाड़ता है? शेर। गुर्राता कौन है? भालू। भौंकता कौन है? कुत्ता। चिंगाड़ता कौन है? हाथी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बकरी के बच्चे का क्या नाम था? चुन्नू, मीकू या भोंदू? चुन्नू। भोंदू कहाँ गिर गया था? तालाब में, नाले में या नदी में? नाले में। किसका दरवाजा खुलते ही तीनों मित्र हैरान रहे? तंबू का घर का या महल का? तंबू का।
तंबू में भालू क्या खा रहा था, खीर, आइसक्रीम या हलवा? हलवा। तीनों मित्र किसका घर देखने गए, चांद का, सूरज का या राजा का? सूरज का। तीनों मित्रों के नाम बताइए, चुन्नू, उत्तर है चुन्नू, मीकू, भोंदू। तीनों मित्र, ये प्रश्न उत्तर हैं। तीनों मित्र अपना समूह छोड़कर क्या देखने के लिए जंगल गए? तीनों मित्र अपना समूह छोड़कर सूरज का घर देखने के लिए जंगल गए। प्रश्न, भोंदू ने नाला कैसे पार किया? भोंदू को नाला उसके मित्रों ने पार करवाया। जब भोंदू डूबने लगा था तो दोनों ने उसके कान और पूँछ पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। प्रश्न, थैले में किन जानवरों की खालें थी? थैले में भालू, शेर, भेड़िए व लोमड़ी की खालें थी। तंबू में कौन कौन से जानवर थे? तंबू में शेर, भालू, भेड़िया व लोमड़ी दावत कर रहे थे। अब वाक्य बनाओ। मुसीबत में भी हमें धीरे से काम लेना चाहिए। हिंसक, जंगल में अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते हैं। छलांग, बकरी के बच्चे ने छलांग लगाकर नाले को पार कर लिया। आप अपनी पसंद के वाक्य भी बना सकते हैं। थैंक यू।